अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल अली हुसैन यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ एंड्रॉयड मोबाइल के लिए सबसे बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। बहुत से दोस्तों का कहना है कि फिल्मोरा सबसे बेस्ट है, कुछ दोस्तों का कहना है कि पावर डायरेक्टर सबसे बेस्ट है और कुछ दोस्तों का कहना है कि काइन मास्टर, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है और क्या आपको इनका यूज़ करना चाहिए। मैं आपको इनमें से ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा तीनों में से चॉइस करके जो सबसे बेस्ट होगा, लेकिन उसका लिंक मैं आपको दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। लेकिन आप इस वीडियो में को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि जो सॉफ्टवेयर मैं देने वाला हूं वो आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्यूचर होंगे। जब आप वीडियो बनाते हैं तो कुछ दोस्तों का ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो वीडियो बना लेते हैं तो ऊपर उनका काइन मास्टर का या पावर डायरेक्टर का लोगो आता है, इसमें वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सबसे अच्छा और प्रो वर्जन होगा और कोई आपको पैसे वगैरह बाय नहीं करने पड़ेंगे, बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इसमें आपको मैं सबसे बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर देने वाला हूँ। अगर कुछ दोस्तों के बाद एक और मेन प्रॉब्लम आ रही है कि काइन मास्टर कुछ दोस्त यूज़ कर रहे हैं और वो जब इंटरनेट ऑन करते हैं तो उनके ऊपर फिर वीडियो के ऊपर काइन मास्टर मेड बाय काइन मास्टर लिखा आ जाता है, लेकिन ये जो वर्जन आज मैं आपके साथ वीडियो एडिटर शो शेयर करने वाला हूँ ये सबसे बेस्ट है और इसमें एक्स्ट्रा फ्यूचर भी ऐड किए गए हैं। अगर आप इस वीडियो एडिटर को यूज़ करते हैं तो आप एंड्रॉयड मोबाइल पर हाई स्टैंडर्ड प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो इससे पहले आपसे काइंडली एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल अली हुसैन सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल कलर का है, रेड कलर का है, उस पर क्लिक कर लें और साथ ही बेल का बटन आ जाएगा उस पर भी क्लिक कर लें। इस तरह ये होगा कि कोई भी नई वीडियो बनाऊंगा तो वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगी, जिससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों फ़र्ज़ कर लें हम चले जाते हैं प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाके हमें मिलता है एक काइन मास्टर सॉफ्टवेयर। ये देखें दोस्तों, काइन मास्टर इसका नाम है, तो ये प्रो वर्जन मैंने फ्री में इंस्टॉल किया हुआ है। अगर मैं प्ले स्टोर में आता हूँ तो ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करना। आप काइन मास्टर अगर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो उसमें मेड बाय काइन मास्टर का वीडियो के ऊपर लिखा आता है, लेयर आती है जो नहीं अच्छी लगती। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इस वीडियो के नीचे एक मैं लिंक दूँगा लास्ट में और पहले मैं आपको बता देता हूँ सारा। ये जो काइन मास्टर है ये पेड है, अगर आप चाहते हैं कि मेड बाय ना लिखा है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, इसको काइन मास्टर को पेड हो जाता है। अगर आप फ्री में प्ले स्टोर से काइन मास्टर इंस्टॉल करते हैं तो वो मेड बाय लिखा आता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो वीडियो आप बनाएंगे और ऊपर मेड बाय काइन मास्टर लिखा है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन हो तो आपके सामने डाउनलोड लिखा होगा, आपने डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। सीधे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। 25 MB का है दोस्तों, मैंने काफ़ी दफ़ा काइन मास्टर का यूज़ किया और मैंने फिर छोड़ दिया क्योंकि इतना अच्छा मज़ा नहीं आता था जितना इस काइन मास्टर में आ रहा है और बहुत ही कमाल का है। इसमें एक्स्ट्रा फ्यूचर है जो वो ऐसे ही है जैसे आप एक पीसी पे कंप्यूटर पे प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करते हैं। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह का इसका डिस्प्ले आएगा, आप देख सकते हैं। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, मैं इसे ओपन करके आपको बता देता हूँ, इसमें जो एक्स्ट्रा एक फ्यूचर है वही सबसे अच्छा होता है जो इसमें ऐड हो चुका है। दोस्तों मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का, डिस्प्ले इस तरह का आएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर का यूज़ करने का सारा तरीका वही है। मैं यहाँ से एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन किया तो आप दोस्तों यहाँ से मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक करके एक फाइल चॉइस कर लें बैकग्राउंड पर। जैसे ही आप बैकग्राउंड चॉइस कर लें एक, तो उसके बाद अगर आप लेयर पे क्लिक करते हैं तो आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जितनी चाहें नीचे लेयर्स बना सकते हैं, जितनी लेयर चाहें बना सकते हैं। एक होता है कि एक लिमिट होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे कंप्यूटर पर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं,
इसमें आप जितनी चाहें नीचे फ़र्ज़ करें, अभी दोस्तों मैंने एक बनाई है, मैं और लेयर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी जितने चाहें ऐड करें। बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। ये देखें मैंने एक और ऐड कर ली। ये देखें दोस्तों यहाँ पे आप जितनी लेयर्स बना सकते हैं, जितना चाहें प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं आप इस सॉफ्टवेयर से कर लें। और इसका आपको मेड बाय भी लिखा हुआ नहीं आएगा। बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक लाजमी किया करें। हम इतनी मेहनत से दोस्तों आपके लिए वीडियो ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, सर्च करते हैं, फिर आपके लिए कोई प्रोफेशनल सी वीडियो जो अच्छी लगती है वो दे के आते हैं, और आप सिर्फ़ एक लाइक का बटन दबाने से परेशान होते हैं। वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, उस पर दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें। क्योंकि मैंने भी दोस्तों काफ़ी देर तक काइन मास्टर यूज़ किया लेकिन मज़ा नहीं आया, लेकिन ये जो वर्जन है मुझे उम्मीद है कि सभी दोस्तों को पसंद आएगा। वीडियो को शेयर लाजमी करें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो दुआओं में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों रमज़ान का प्यारा सा महीना है, जहाँ पे आप अपने लिए दुआ मांगते हैं वहाँ हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।